सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर कोई इस बात से अनजान है कि वो खुद कितना कीमती है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं। ढूंढ ही तो सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो बस उलझने मिलेगी। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। आज का पंचांग 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि, रात्रि 8:09 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नामक नक्षत्र रात्रि 10:48 तक रहेगी। इसकी उपरांत उत्तराषाढ़ नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:34 से 5:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर सुबह 4:36 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। आप सभी को शीतला अष्टमी की शुभकामनाएं। कर्क राशि 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो चलिए जानते हैं आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार आज चंद्रमा धनु राशि में रहेगा, जिसके कारण आप अनेक सृजनात्मक अनुभव करेंगे। साथ ही आप खुद भी कुछ खूबसूरत चीजें बनाने का मन बनाएंगे। आज का दिन विशेष रूप से कलाकारों के लिए अच्छा है। हालांकि आज जो कार्य आपने शुरू किया है उन्हें आज ही पूरा कर लें, क्योंकि अचानक आपको कुछ अविचलित सा अनुभव हो सकता है। अविचलितता की भावना आम है, लेकिन इसके कारण आप निराश भी हो सकती हैं। आज आपको किसी फोन कॉल या संदेह के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल सकती है। आप निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में योग्यता और कौशल दिखा सकती हैं। आपकी मेहनत और प्रयासों से कोई पारिवारिक योजना आप कार्य रूप में परिवर्तन हो सकती है। अपनी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सतर्कता बनाए रखने से आपको सफलता मिलेगी। परिवार के कुछ लोगों के खिलाफ जाने की वजह से बनी हुई नाराजगी दूर हो जाएगी। व्यक्तिगत जीवन की चिंता भी कम होगी। सतर्कता से केवल प्रयत्न करने की जरूरत है। अपने काम में नए स्किल्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। आपके पार्टनर के साथ की गई दूरी जल्द ही खत्म होगी। अभी चिंता करने से खुद को नकारात्मक ना बनाएं। सावधानियां। युवा वर्ग को चाहिए कि वे समय के महत्व को समझें और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान देने की। कुछ समस्याएं बनी रहेगी, परंतु धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगी, इसलिए सकारात्मक बने रहें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने पास कुछ न हो तो औरों की संपत्ति का क्या फायदा। ऐसा लगता है कि आप हाल ही में किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो आपको बेहद आकर्षक और अपने वर्तमान पार्टनर से कहीं बेहतर लगा, लेकिन ध्यान रखें यह केवल आपका वहम है। आपके पास पहले से सर्वोत्तम है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय एक गलत कदम उठाने से आप जीवन भर पछताएंगे, इसीलिए इस लालच से बचें और आराम से रहें। बात करते हैं करियर की। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र या अपने आर्थिक लक्ष्यों के लिए किसी पारंगत व्यक्ति या अपने निकट जानने वाले व्यक्ति से परामर्श लेते हैं तो ये सुझाव आपको काफी लाभ दे सकता है। आज का दिन इंजीनियरों और कंप्यूटर में काम कर रहे इंसानों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको दूसरी नौकरी का भी मौका मिल सकता या उसी नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत भी आपको मिल सकती है। आज के दिन आपके लिए किसी बड़े निर्णय को सूझबूझ कर लेने के लिए भी रहेगा। बात करते हैं सेहत की। पिछले कुछ समय से आप अपने वजन में बढ़ोतरी ही महसूस कर रहे हैं, अर्थात वजन आपका बढ़ता जा रहा है। आप इसके बारे में काफी जागरूक रहे, लेकिन आप इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आज आपको इसके बारे में कहीं से कोई डाइट रूटीन मिल जाए। आप हल्का फुल्का व्यायाम भी कर सकते हैं। व्यस्त सड़कों पर ना घूमें, क्योंकि आपको धूल मिट्टी से एलर्जी हो सकती है। अपना सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को आज गेहूं का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ
आगे बढ़ती रहीं। आपका दिन शुभ हो।